Hey guys, hello once again. Welcome to SuperGrads CUET preparations. एक गाना है बहुत फेमस सा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. लता मंगेशकर जी का बहुत फेमस सा गाना है. उसी थीम को लेते हुए, और तुम तो बच्चे हो, तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों से किया वादा तो निभाना ही पड़ता है. तो मैंने एक वादा किया था सुबह तुम लोगों से कि हम बहुत जल्दी एग्जामिनेशन स्कीम को भी डिकोड करेंगे, समझेंगे CUET पेपर की एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में धूम मची हुई है. समझ रहे हैं लोग इस एग्जामिनेशन को कैसे डिकोड करा जाए. बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने प्रॉमिस करा था कि हम लोग डिकोड जरूर करेंगे. समझते हैं कि CUET एग्जामिनेशन प्रेप को हम कैसे कैसे डिकोड कर पाएंगे, कैसे समझे हैं सुपर ग्रेड्स ने इसको कैसे समझा या तुम लोग को कैसे समझाना चाहिए. सिंपल समझते हैं इस एग्जामिनेशन स्कीम को. सो जैसे पहले बताया गया था, हमेशा से पता है तुम लोगों की मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, सीबीटी लैंड बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसको बोला गया था. यहाँ पे ध्यान से तुम लोगों ने देखा होगा इस चीज को. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहीं पे थोड़ा सा मल्टीपल टाइम इन्होंने चीजों को लिखा है, उन्हें लग रहा है यहीं पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट भी उन्होंने डाल दिया है, और मोड ऑफ इंस्ट्रक्ट मतलब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी डाला है. इसको ज्यादा डिकोड करने की जरूरत है. मैं बताता हूं. सो लैंग्वेज में दो पार्ट में डिवाइड करा है, सेक्शन 1A सेक्शन 1B. इसको इन्होंने कैसे समझा, यहां पे पूरा इस चीज के बारे में लिखा हुआ. मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गया, तो तुम लोग को इतने पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. सो लैंग्वेज 1 जो ए डाली है वो सारी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को हम पढ़ते तो है, बट उसको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी बना लेते हैं. मतलब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं. शायद तुम लोग अब रिलेट कर पाओगे मेरी बातों को. हम हिंदी को भी पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट और अब हिंदी में भी पढ़ते हैं. सो लैंग्वेज की खासियत है इन कुछ लैंग्वेजेस की. सो जो 13 लैंग्वेजेस डाली हुई है, ये लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस जिसको हम पढ़ते हैं और जिस स्ट्रीम में हम पेपर लिखते हैं, हम इन लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं. मतलब मैं इकोनॉमिक्स का पेपर हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, अर्थशास्त्र उसे बोलते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का पेपर इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उसको इकोनॉमिक्स ही बोला जाता है. ये उन्होंने 13 लैंग्वेजेस डाली हुई. और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं, उन सारी लैंग्वेजेस को हम पढ़ते हैं, उन सारी लैंग्वेजेस में हमारे यूजुअली पेपर्स नहीं आते. यही डिफरेंस इन्होंने कोट करा हुआ है. सो द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट are offered in 13 languages, that is Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam and all other languages. A candidate is required to opt for one of the specified language as a medium of the paper. मतलब तुम्हें एक language choose करनी है कि तुम कौन से medium में लिखने वाले हो. इसको वो language मत मान लेना कि तुम्हें कौन सा paper attempt करना है. Medium of language is different from attempting the paper. Paper of वो language जो तुम्हें attempt नहीं करनी है, वो अलग चीज है, उसके बारे में अलग बात करी हुई है, ठीक है. पर ये यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया के हिसाब से भी है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे. अभी टाइम है यूनिवर्सिटीज क्राइटेरिया पे जब सारे वीडियोस हम लोग बना देंगे, समझा देंगे तुम लोग को, तब इस पे और डिकोडिंग करेंगे. बट ये तो क्लियर है कि लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है. द क्वेश्चन पेपर इन रिस्पेक्ट टू द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट विल बी बायलिंगुअल. इट विल बी इन द मीडियम वन ऑफ द 13 लैंग्वेजेस opted by the candidate and in English. मतलब अगर तुमने English ही opt करा है तो तुम्हारे सामने English आएगा, लेकिन अगर तुमने English के अलावा हिंदी, कन्नड़, जो भी वहां पे languages लिखी हुई है, मलयालम, सारी languages में से कोई भी language opt करी है तो तुम्हारे paper bilingual हो जाएंगे. English तो होगा ही, साथ में दूसरी language. For example, तुमने हिंदी opt करा है, so language जो paper would be bilingual paper, English plus हिंदी, दो लैंग्वेज में पेपर आ जाएगा अगर तुमने हिंदी ऑप्ट करा है तो. इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज इन ट्रांसलेशन, अगर ऐसा कुछ होता है कि तुम्हारा पेपर ट्रांसलेट होता है, कई बार ऐसा होगा, तब लैंग्वेज को छोड़ के, अभी यहाँ पे और इस पे क्लैरिटी मैं दूंगा तुम लोगों को, कि सपोज तुम्हारा इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी पेपर है, मैथ्स का पेपर मान लेते हो, मैथ गणित में ट्रांसलेट होगा, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में ट्रांसलेट होगा, तो कोई भी पेपर जब ट्रांसलेट होगा और उस ट्रांसलेशन में कोई भी एरर या डाउट लगता है तो हम इंग्लिश को प्रिफर करेंगे. ये उन्होंने क्लियर कर दिया इंग्लिश को, क्योंकि हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, उन्होंने इंग्लिश को एक प्रायोरिटी लैंग्वेज बना दिया. ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन पेपर देखते टाइम ऐसे कभी भी कंफ्यूजन लगे तो रिफर इंग्लिश सेक्शन.
सिंपल इंग्लिश का जो बायलिंगुअल में इंग्लिश का जो वर्जन होगा उसको रेफर करके उसी को फाइनल माना जाएगा। एक पॉइंट और लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक कि मीडियम इज नॉट द सेम एज लैंग्वेज ऑप्टेड एज अ कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट इज फॉर एसेसिंग द प्रोफिशिएंसी स्किल। लास्ट लाइन पढ़ लेते, क्वेश्चन पेपर ऑफ द लैंग्वेज टेस्ट विल नॉट बी बायलिंगुअल। मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ पेपर अलग है, लैंग्वेज इज पेरिफेरी से बाहर है। मतलब मैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में पेपर लिखूं, ये मेरी लैंग्वेज ऑफ या मीडियम ऑफ पेपर हो गया, लेकिन मैं इंग्लिश का पेपर लिखूं या हिंदी का, ये बायलिंगुअल नहीं होगा। इंग्लिश का पेपर हिंदी में भी आएगा? नहीं। हिंदी का पेपर इंग्लिश में भी आएगा? नहीं। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में, हिंदी का पेपर हिंदी में, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो बायलिंगुअल होंगे। सो लिखा हुआ है क्वेश्चन इन द लैंग्वेज टेस्ट आर नॉट ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन इन इंग्लिश, ऐसा नहीं होने वाला। सिंपल है, पर डिस्क्राइब करा है बहुत डिटेल में, और यहीं पे कंफ्यूजन अगर तुम लोगों को होगा, सो आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। तुम लोग पूछ भी सकते हो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, तो शायद मैंने इसको क्लियर करा होगा। लैंग्वेज अलग है, मीडियम ऑफ पेपर अलग हो जाएगा। फिर आते हैं पेपर ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर पे, इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड ये पेपर होगा। इसका भी सैंपल भी रिलीज करेंगे बहुत जल्दी, वैसे आज रात को 9 बजे से हमारे बैच पेचेस लाइव हो जाएंगे, जिसमें सारे टेस्ट पेपर ओपन होंगे। हमने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ CUET, NTA का जो एग्जामिनेशन पैटर्न आया है उसको लिखना शुरू कर दो। डोंट वेट, बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ टाइम की और बात है। टेस्ट डिजाइन, टेस्ट डिजाइन कैसे करे हुआ है, 13 लैंग्वेज एज ए मीडियम एंड लैंग्वेज, मतलब जो 13 लैंग्वेजेस हैं, अब यहां तो मैं ना इस चीज की और क्लैरिटी आ जाएगी, जो 13 लैंग्वेज है वो मीडियम तो है ही, साथ में लैंग्वेजेस भी है, मतलब हम उसको सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ते हैं, सब समझ सकते हैं। देन सेक्शन बी में 20 लैंग्वेजेस है, ये मीडियम नहीं होता, मतलब जैपनीज, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है हमारे यहाँ। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो तुम लोगों ने क्लास 11th एंड 12th पे पढ़े हुए हैं। देन जनरल टेस्ट, ये है तुम्हारा एग्जामिनेशन स्कीम। क्लियर हो गया होगा हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन का आंसर अभी रुक के ही लेना, इस क्वेश्चन के आंसर पे हड़बड़ी या जल्दबाजी मत करना। एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी फिल करनी, वो तुम लोग फिल कर सकते हो, कोई भी एक यूनिवर्सिटी तुम्हें लगता है जो बेसिक यूनिवर्सिटी तुमने सेलेक्ट करी होगी, प्राइमरी यूनिवर्सिटी, फॉर्म फिल करते टाइम उसको जरूर फिल कर देना। बाकी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल करते टाइम विल वेट, उस यूनिवर्सिटी की, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की हम स्कीम समझेंगे कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में किस बेसिस पे अप्लाई करना है। देन क्या क्लियर लिखा हुआ है, चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटी, चॉइस ऑफ द टेस्ट एंड सब्जेक्ट क्लियरली डिपेंड्स ऑन, देखो लिखा होगा क्लियरली डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या करने वाला है उस पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। सो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन जनरल टेस्ट कवर्ड इन द गिवन अपेंडिक्स 2, यहाँ पे सारे तुम्हें डिटेल्स मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल। अब इन्होंने एक नोट डाला, इस नोट को समझो, तुम मैक्सिमम 9 पेपर लिख सकते हो, 9 पेपर से ऊपर तो लिख ही नहीं सकते, स्लॉट 1 में 4, स्लॉट 2 में 5, इन्होंने स्कीम डाल दी है। मल्टीप्लेक्स टाइप का पूरा एक सीन क्रिएट करा हुआ है कि 9 पेपर तुम लिख सकते हो। यू कैन चूज योर ओन स्लॉट, यू कैन चूज योर ओन पेपर, यू कैन चूज योर ओन टेस्ट, यू कैन चूज योर ओन सब्जेक्ट्स एंड योर ओन यूनिवर्सिटीज एज वेल, अपनी चॉइस अपने पास, अपने हिसाब से चूज करते जाओ। सो अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाए। सो मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 1A एंड सेक्शन B टेकन टुगेदर, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट हो सकता है। मतलब अगर तुम लोगों ने 2 पेपर सेक्शन 1A से, 1 पेपर सेक्शन 1B से सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास आगे ऑप्शन बचेंगे 6 पेपर। तुम 6 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो डोमेन और जनरल टेस्ट मिला के। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट कंपलसरी करती है तो तुम्हें डोमेन में सेलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम 5 ऑप्शन मिलेगा। इसको ऐसे समझो, इस पूरे बॉक्स को, कि हम कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्स, हम मल्टीपल जगह अप्लाई नहीं, हमें भी सोचना पड़ेगा हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर कुछ यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया है तो लिमिटेशंस डाली है, सोच समझ के अप्लाई करने की वो उठाई है, हर यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी दी है। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग किसी एक यूनिवर्सिटी की तरफ भाग रहे हैं और ये एग्जाम 1 प्रिपरेशन मल्टीपल डेस्टिनेशन या 1 एग्जामिनेशन मल्टीपल डेस्टिनेशन ना बन पाए। इस थॉट के साथ ये पेपर पैटर्न डिजाइन करा गया, इट्स ब्यूटीफुली डिजाइन पेपर,
by NTA. एक और एग्जाम्पल लिखा, मैक्सिमम ऑफ थ्री लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन वन एंड सेक्शन बी. तुम्हारे पास फिर डोमेन में पांच बचते हैं और एक बचता है जनरल टेस्ट जो हम बात कर रहे थे. घुमा फिरा के तुम्हारे पास 9 सेलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं. ये उन्होंने क्लियर कर दिया. कंसिडरिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स वुड बी अपेयरिंग अप्लाइंग फॉर CUET UG 2022. NTA has decided to provide choice in all sections of question paper. However, the total number of questions to be attempted will remain the same. मतलब उन्होंने बोला है, हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है. तुम लोग बोलोगे यार मैं PCM में हूं, मुझे इतने सारे ऑप्शंस क्यों? मुझे तो सीधे बोलते थे PCM के स्टूडेंट हो. मैं कॉमर्स, मुझे कॉमर्स के ऑप्शन. क्योंकि हर स्टेट का अपना एक क्राइटेरिया है, हर बोर्ड का अपना एक क्राइटेरिया होता है. मतलब बोर्ड के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, किसी बोर्ड में ऑप्शन होता है कि मैं इसके साथ ये सब्जेक्ट ले सकता हूं, किसी बोर्ड में ऑप्शन है ही नहीं. किसी स्टेट में ऑप्शन होता है, किसी स्टेट में ऑप्शन नहीं. यू चूज योर ओन सब्जेक्ट. अपने सब्जेक्ट को खुद चेक करो, खुद उसका बंडल बनाओ, खुद उसमें आगे बढ़ो और उसी सब्जेक्ट में एग्जाम लिखो अगर वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया से मैच करता है. और नहीं करता तो सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो. दिस इज वॉट द स्कीम इज. फॉर चूजिंग द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, अगेन फिर से उसने सी पॉइंट में लिखा, यूनिवर्सिटी की चॉइसेस को देख लेना. भैया बार बार बोल रहा है NTA, हमें तो सुननी पड़ेगी ये बात. हम ही भाग रहे एकदम पेपर लिखने के लिए, सब बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं. मैंने फिर बोला था वेट करो, आने दो सारी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन, सबकी आने दो, आराम से पेपर भरेंगे. फॉर्म भर के तो रख दिया होगा ना, फॉर्म तो भर लो कम से कम. फॉर्म भरना शुरू करो, बेसिक फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर निकालो, आगे का फॉर्म भरेंगे. टाइम लगेगा यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आने में. तो एग्जामिनेशन स्कीम ये क्लियर हो गया कि दो पार्ट में एग्जाम होने वाले, स्लॉट वन स्लॉट टू. देख के ऐसा लगता है कि इच्छा है NTA की एक ही दिन में बच्चा पेपर लिखे और फ्री हो जाए, या फिर एक ही स्लॉट में लिख के फ्री हो जाए. पर फिर भी इन्होंने स्लॉट वन स्लॉट टू डाला और नीचे कहीं लिखा हुआ है कि ये टू और मोर अलग अलग डेज में स्लॉट कंप्लीट करा के एग्जामिनेशन हो सकता है. मल्टीपल स्लॉट्स में भी एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जामिनेशन हो सकता है. इन्हें पेपर कंप्लीट करवाना है. सो एम इज पेपर हम कंप्लीट करवाएंगे. डोंट वरी, सारे बच्चों का पेपर कंप्लीट करवाएंगे. लुकिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें इश्यूज होने वाला है, कितना बच्चा इस पेपर को लिखेगा, इस बेसिस पे ये चेंज करेंगे. अभी फिर भी अभी इन्होंने सेफर साइड पे डाल दिया दो स्लॉट. पहले स्लॉट में हम चार पेपर चूज कर सकते हैं, कम टाइम है. दूसरे स्लॉट में हम पांच पेपर चूज कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम दिया हुआ. जरूरी नहीं है कि तुम्हें पहले और दूसरे दोनों स्लॉट में पेपर लिखना है. अगर तुम्हारा क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का इतना ही है कि तुम पहले स्लॉट में दो या तीन पेपर निकाल के निकल सकते हो, उतना लिख दो, दूसरे स्लॉट में जाने की जरूरत ही नहीं. अगर तुम्हें लगता है तुम्हें दोनों स्लॉट लिखना है, दोनों स्लॉट लिख दो, इट्स अप टू यू. ये पूरी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी इसकी है. फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए 15 मिनट्स और 45 मिनट्स एग्जामिनेशन जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, एंड 20 मिनट्स और 1 आवर एग्जामिनेशन ये बढ़ाएंगे. तो 45 मिनट्स का अगर पेपर है तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और अगर 20 मिनट्स का पेपर है तो 1 आवर का अगर पेपर है तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देंगे. फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए इतना उन्होंने लिवरेज रखा हुआ है. देन इन स्लॉट वन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट इज टेकन, जितने स्लॉट होंगे स्लॉट में एग्जामिनेशन करा लेंगे. इन स्लॉट वन विच विल बी हैड इन मॉर्निंग शिफ्ट, अ कैंडिडेट मे टेक अप टू 4 टेस्ट ओनली, एंड स्लॉट टू में 5 टेस्ट. ये हमने बात करी ली थी, नीचे इसी के बारे में डिटेल लिखी हुई है. One language from section 1A and 1B with maximum 4 domain specific subject from section 2, or 2 languages section 1A and 1B and maximum 3. मतलब स्लॉट का डिटेल इंफॉर्मेशन है कि अगर हमने एक यहाँ सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, 2 सेलेक्ट कर लिया तो 2 ही ऑप्शन है. इस थॉट पे ही पूरा बिल्ड हुआ है कि अगर स्लॉट 2 में हम जा रहे हैं, हमने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली तो हमारे पास डोमेन और जनरल टेस्ट के लिए 3 ही ऑप्शन बचते हैं. सिंपल है, ऑप्शन 3 ही बचेंगे, फिर ऑप्शन बचेंगे है ही नहीं इसके अलावा. तो सिलेबस एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनेशन के साथ साथ कि सिलेबस इसका क्या आने वाला है. तो सेक्शन 1A एंड 1B पे लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई लाइक दिस पॉइंट पर्सनली. मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रट्टू तोता नहीं बना रहे तुम्हें. रीड करो, कॉम्प्रिहेंड करो. लैंग्वेज का मतलब ही होता है, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूं तुम समझ पा रहे हो, बड़ी बात है. तुम कॉम्प्रिहेंड कर पाते, तुम कुछ पढ़ो और तुम समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट. कई बार हम पढ़ते हैं, हम पढ़ पूरा लेते हैं, आंखें पढ़ रही है, दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि हमने पढ़ा हुआ है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसे ही बोलते हैं. देन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरली, नैरेटिव,
पूरा एक वोकैबुलरी बिल्डिंग के साथ कंप्लीट एक पेपर बनाएंगे इंग्लिश का। अच्छा पेपर होगा, मजा आएगी, डिफिकल्ट भी होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बहुत होनी चाहिए, मजा वहीं पे आती है, कंपटीशन तो डिफिकल्टी है। देन सेक्शन टू के सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, इन्होंने बोला इसकी पूरी डिटेल वेबसाइट पे डला हुआ है, सिलेबस तुम लोग चेक करोगे तो सिलेबस रखा हुआ है वेबसाइट पे, पढ़ाओ सिलेबस ही नाम से रखा हुआ है। देन वैसे एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो उन्होंने कॉपी भी वही कर दी है। देन सेक्शन 3 इज जनरल नॉलेज, यहाँ पे जीके आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, मतलब स्टैटिक नॉलेज करंट अफेयर्स दोनों चीजें पूछेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, लॉजिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़ा मैथमेटिकल के क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स फिर से आ गया, अरिथमेटिक इक्वेशंस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब कुछ है जो मैथ्स का पोर्शन है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्लास 8 तक उन्होंने बोला है, बड़ी 8 तक की सारी चीजें कंपलसरी होती है, ये सब कुछ वहां पे आएगा। इट्स अ नॉर्मल एप्टीट्यूड पेपर, बट एप्टीट्यूड इंग्लिश लेस एप्टीट्यूड बोल सकते हो। तो पूरे एप्टीट्यूड पेपर में 4 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। इंग्लिश हटा दो क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, सीयूईटी ने बोला हमने इंग्लिश कवर करा हुआ है लैंग्वेज में, तो हम इंग्लिश को हटाते हैं तो हमारे पास 3 बचे, इसलिए उसको जनरल टेस्ट नाम दिया है। इंग्लिश भी इंक्लूड कर लो, कंप्लीट एप्टीट्यूड पूरा पेपर बन गया है। हम तो बोल ही रहे हैं यार, सुपर ग्रेड्स तुम्हें कंप्लीट एप्टीट्यूड, कंप्लीट डोमेन सिखा रहा है, क्योंकि कंप्लीट एप्टीट्यूड सीखना इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, फॉर एग्जामिनेशन, फॉर एवरीवन। मेंटल एबिलिटी यहीं से बढ़ती है और एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर्ड्स के लिए वैसे भी तुम्हें डोमेन पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए रिवाइज करना है, उस लेवल पे पढ़ भी नहीं पाए हो, इतना सारा ये साल ऊपर नीचे हुआ है, हम पढ़ाएंगे तो हम, हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी अभी होगी, अभी बोर्ड फर्स्ट सीयूईटी, देन सीयूईटी फर्स्ट बोर्ड, यही थॉट के साथ हम प्रिपेयर करेंगे पूरा सीयूईटी का सिलेबस। तो ये है तुम्हारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जीके, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का भी एक पोर्शन डाला है, ये है सीयूईटी का पेपर पैटर्न। एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर ही चुके थे, वैसे कोई एज लिमिट यहाँ पे है ही नहीं, फिर भी बोला है अगेन हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी एज लिमिट डाल दे, ध्यान रखना इस चीज को पर्टिकुलरली। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, रिजर्वेशन के बारे में बात करी हुई है, मेरे ख्याल से जो जिस कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन में होगा अपनी अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी को एक बार पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूनिवर्सिटी पर्पज से बहुत ज्यादा काम में आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पर्पज से। देन कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पर्पज से ही होगा, चॉइसेस ऑफ सिटी अपन ने बात करी है कि इसको भर लेना, एडमिट कार्ड तुम्हारे पास एनटीए भेजेगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड से एडमिट कार्ड आएगा, विदाउट एडमिट कार्ड तुम्हें एंट्री अलाउड नहीं है, ये उसका लॉजिक था। अब एक बार देखते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, इस पे समझते हैं क्या होने वाला है। तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से यहां तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी होगी, 7 बजे से 8:30 बजे तक एंट्री है, 8:30 बजे से 8:50 तक तुम्हें एडमिट कार्ड चेक ये सब होगा, तुम्हारी पूरी फॉर्मेलिटीज, हो सकता है कोई बायोमेट्रिक फिंगर स्कैन लगा दिया जाए, ये पूरी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वहां पे एक बार और होगा, तुमने जो फॉर्म फिल कराया तुम्हारी फोटोग्राफ, बोला गया है तुम्हें एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा देखो ये मैंने फॉर्म फिल करा था, ये मैं ही हूं, इसीलिए 8:30 तक एंट्री बोली, 8:30 से 8:50 तक बोलो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, कोशिश करना जितने जल्दी पहुंच जाओ पहुंच जाना। सेकंड स्लॉट टू में वही 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक एंट्री, 3 बजे स्टार्ट होने वाले, सेम स्कीम पे पूरा चल रहा है, एग्जैक्टली यहाँ का रेप्लिका यहाँ डाल दिया, यहाँ का रेप्लिका यहाँ डाल दिया 50 मिनट्स के हिसाब से। कैंडिडेट्स को ओपन हो जाएगा पेपर इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, ऐसे समझते हैं इस चीज को, देखो यहाँ पे लिखा होगा 10-10 मिनट का टाइम है, 2:50 3 बजे से पेपर स्टार्ट होने वाला है, 10 बजे का 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जैसे ही 10 मिनट ओवर होंगे तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी, डेस्टिनेशन सामने है यूनिवर्सिटी, देन एज पर द टाइमिंग विद द एडमिट कार्ड टेस्ट क्लोज हो जाएगा। ये क्यों लिखा है एज पर द टाइमिंग, सबके अपने अपने स्लॉट होंगे, मैंने स्लॉट 1 में चूज करा एक सब्जेक्ट, मेरा पेपर पहले एंड हो जाएगा एडमिट कार्ड के हिसाब से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऐसा तो नहीं होगा मैम मेरी कॉपी कंप्लीट हो गई मैं घर जाऊं क्या, हम जो क्लास में बोलते हैं मैम सब सबका नहीं हुआ मुझे तो जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा पेपर कंप्लीट हुआ कंप्लीट हुआ, जा सकते हो, टेस्ट कंक्लूड हो जाएगा तो यू कैन लीव द प्लेस, दिस इज हाउ इट वर्क्स।
देन लास्ट में जल्दी से देखते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इन स्लॉट वन मॉर्निंग सेशन में कैसा होगा, सेम रेप्लिका इवनिंग सेशन में भी, आफ्टरनून सेशन में भी डाल दिया. सो लैंग्वेज एनी वन ऑफ 13 लैंग्वेज ऑप्टेड, जिसने ऑप्ट करी होगी 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस. बोर्ड की याद दिलाता है एनटीए बार बार, भूलने नहीं दे रहा है बोर्ड को, इसलिए बोल रहा हूं प्रिपेयर विद सुपरग्रेड्स. बोर्ड भी प्रिपेयर होगा, उन्होंने बोला यार जो पढ़ा रहे हो और जो पढ़ रहे हो अब तक वो कंटिन्यू करो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं भाई. 50 इतने क्वेश्चन चॉइस आ गया, यहाँ पे भी वही चॉइस डाली उन्होंने, 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो 40 क्वेश्चन, 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो 200 मार्क का टोटल हो गया टाइमिंग. 45 मिनट्स में ही कंप्लीट करना, 45 मिनट्स 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे आराम से. देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, इसमें भी 40 क्वेश्चंस 5 मार्क्स 200 मार्क्स, 5 मार्क्स ईच के हिसाब से 200 मार्क्स का हो गया. यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम लिखा हुआ, मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स, हो सकता है 45 मिनट्स में भी खत्म हो जाए. सो मिनिमम इज 45, मैक्सिमम इज 90 मिनट्स में हो जाएगा. जनरल टेस्ट बिल्कुल इन्होंने वो डाल दिया स्ट्रेट कि 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 75, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 300 मार्क का पेपर, 60 मिनट का जनरल टेस्ट होगा, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. ऑब्जेक्टिव पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी चॉइस डाल दिए. सोच रहे हो कितना ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें कि तुम अच्छे से पढ़ो, सही जगह से पढ़ो. ये इंपॉर्टेंट है, थीम पे लॉजिकली पढ़ो. अभी तो नेगेटिव मार्किंग की भी बात मैं करने वाला हूं, तो सही पढ़ना, सही स्ट्रेटेजी से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये है पूरा पेपर का स्कीम. क्वेश्चन इज क्या नेगेटिव मार्किंग है, आंसर यस. पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखना. बहुत मैं भी कुछ चैनल्स देख रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं सब लोग क्या बोल रहे हैं. तो चैनल में गलत इंफॉर्मेशन है यार, उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे यू विल गेट 5 मार्क्स, गलत करने पे -1. सिंपल है, अभी तो हमने देखा ना एक क्वेश्चन सही करने के 5 मार्क्स मिलेंगे, तो गलत करने पे कितने कटेंगे, 1 मार्क कटेंगे. बस ध्यान रखना, इतना ही सिंपल है ये, बट गलत करना नहीं है हमें, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्टिव हमें ऑप्शन के अंदर ऑप्शन मिला हुआ है. 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 50 में से, और जो 40 अटेम्प्ट करने उसमें भी 4 ऑप्शन है. सोच समझ के डिफरेंट स्कीम एग्जामिनेशन की, सही स्ट्रेटेजी के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. और यहाँ पे हम एक और अभी बात करेंगे एक और वीडियो में अलग से, यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो परसेंटाइल बेसिस पे इन्होंने डाली हुई, क्यों डाली है ये समझ लो, फिर उस जिस दिन हम अभी अब जल्दी से उस पर जब डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में तब इस बात को समझेंगे. इन्होंने बोला है सारे पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, सारे क्वेश्चन मतलब सपोज कोई एक्स नाम का पेपर है वो ईजी है और दूसरा वाई नाम का पेपर है वो डिफिकल्ट है. So, difficult पे comparatively कम मार्क्स आएंगे, easy में comparatively ज्यादा मार्क्स आएंगे. इन दोनों को equate कैसे करेंगे, इन दोनों को आप सेम लेवल पे कैसे लाओगे, relative कैसे बनाओगे. इन्होंने बोला हम percentile system पे work करेंगे, तो जल्दी हम लोग आएंगे percentile system पे, तब वहां समझेंगे. अभी इतना समझो कि पेपर पैटर्न कैसा होने वाला था. सो नेगेटिव मार्किंग होगी, सोच समझ के आंसर करना. हमने 12 साल एक ही चीज सीखी है हमने अपने आसपास माहौल में, वो चीज थी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ. अब हम बोल रहे हैं एनटीए तो पहले बोल रहा है 10 क्वेश्चन तो वैसे ही छोड़ दो, बिल्कुल अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. हम बोल रहे हैं 40 में से भी कौन सा अटेम्प्ट, सोच समझ के आराम से अटेम्प्ट करना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही होता है 100% लाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं डाली है किसी ने, उन्होंने खुद बोल दिया गलत करोगे तो मार्क्स काट लेंगे. इसका मतलब होता है गलत नहीं करना है, सही करना है, सही कितना करना है दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, सो ये था पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न, इसी को समझो. कुछ और अगर आगे चीज मिलती है इसमें मैं देख लेता हूं एक बार. अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस नॉर्मल है, इससे ज्यादा अभी कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न में है नहीं. हम पूरे बुलेटिन को पूरे पॉइंट्स को हम लोग खंगाल रहे हैं, छान रहे हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है. एग्जामिनेशन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेपर पैटर्न को हम लोग समझते हैं. अब प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी, 3 लेवल पे प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे इसी पे. लैंग्वेज अलग, जनरल टेस्ट अलग, ये दोनों को मिला के एप्टीट्यूड बोल देते हैं. थॉट में रखना हम एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज डोमेन, तो जब हम 12th क्लास की प्रिपरेशन करेंगे तो हमें डोमेन की प्रिपरेशन साथ में करनी. मिलते हैं जल्दी से, आज पूरा दिन कल का पूरा दिन हम इस पेपर को डीकोड करते रहेंगे.
अब हम लोग डिकोड करेंगे कि परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है, परसेंटाइल बेस क्या होता है, और बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशन से रिलेटेड, अलग अलग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड. स्टे ट्यून्ड विद अस बच्चों. तो दिस लोकेश मुले फ्रॉम सुपरग्रेड सीयूईटी प्रिपरेशंस. आज रात को 9 बजे बैचेस लाइव होने वाले हैं. टेस्ट लिखना शुरू कर दो. सो ऑल द बेस्ट फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन. थैंक यू.